आज क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 7.1 त्रिकोणमितीय सरसमिका का 21वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। 21वां है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। यह है हमारे पास में आरएचएस साइड और यह है एलएचएस साइड। एलएचएस साइड को सोल्व करेंगे और हमें आंसर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आंसर लाने हैं। एलएचएस अब ध्यान में रखें, इसके पूरा होल स्क्वायर, इसके भी पूरा होल स्क्वायर, तो इसको तो दोनों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से सोल्व करेंगे। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए तो मानेंगे साइन ए और बी मानेंगे कोस ए, और इसमें ए मानेंगे कोस ए और बी मानेंगे सेक ए। तो इधर इस सूत्र से सोल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस टू सूत्र का साइन ए कोसेक ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको सोल्व करेंगे इसी सूत्र से, इसको ए मानेंगे और इसको बी, तो ए की जगह ए का स्क्वायर किसका आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस टू सूत्र के। ए है अपने पास में कोस ए और बी है सेक ए प्लस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और कोष्टक बंद। अब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को पास में रख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए। अब यहां पे हमारे पास में है कोसेक और यहां पे है हमारे पास में सेक, तो कोसेक कोसेक ए बराबर 1/ साइन ए और सेक ए बराबर होता है 1/ कोस ए। ये सूत्र है 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह लिखेंगे 1/ साइन ए इंटू 1/ साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे कैसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ये ध्यान में रखना है। ये है कोसेक ए और ये है स्क्वायर है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में दूसरा सूत्र लगेगा इसका, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे कोसेक ए का तो 1/ साइन लिखा, अब कोसेक स्क्वायर ए का ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, इसलिए इसमें अभी नहीं रख रहे हैं उसको। प्लस कोस को पास में रख दिया 2 कोस ए इंटू और सेक ए बराबर होता है 1/ कोस ए, 1/ कोस ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, जो बचा है लिख देंगे। अब इसमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1 प्लस, इधर क्या बचा 2 प्लस, इधर बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इधर बचे 2 प्लस और इधर बचा अपने पास में सेक स्क्वायर ए। अब इनको जोड़ लेते हैं 1, 2, 3 और 2, 5, तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये है अपने पास में कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है, और यह है सेक, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सूत्र होते हैं। तो अब कोसेक की जगह कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 प्लस कोसेक का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक का है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 5 और 2, 7, तो ये हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए
प्लस टेन स्क्वायर ए या सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आर एच एस, यही हमें आंसर लाने हैं।